बात करेंगे सियासी खबर की। खबर ही मध्य प्रदेश से है, जहां के चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज उतरेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जून में मध्य प्रदेश आने वाले हैं और 22 जून को बालाघाट आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो 27 जून को धार और भोपाल में वो रहेंगे। तो वही 30 जून को खरगोन में रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो मध्य प्रदेश को कई बड़े सौगातें भी देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जब वो मध्य प्रदेश आएंगे 27 जून को, तो जबलपुर इंदौर वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देने वाले हैं। तो देखिए, सौगातें तो दी जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पर चुनावी शंखनाद करने की भी तैयारी है। हाल ही में हमने देखा था, कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आई थी जबलपुर से, चुनावी शंखनाद उन्होंने किया था। और अब बीजेपी की पूरी तैयारी है चुनावी आगाज करने की। तो देखिए, तमाम बड़े बड़े दिग्गज, चाहे आप अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। तो 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार और भोपाल में रहेंगे। और एक तरीके से देखा जाए, ये जो दिग्गज आ रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्र को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। अब ये सारे डिटेल सभी आएंगे, लेकिन चूंकि कमलापति रेलवे स्टेशन ही, मुझे लगता है कि वहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होगी। कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भी एक स्थान हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं, तो जो 2500 सेलेक्टेड देशभर के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो संबोधन और जो पूरा देशभर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, तो अभी हमने लगभग ये सोचा है कि मोतीलाल स्टेडियम भी हो सकता है और भी कोई स्थान है, 2-3 स्थानों के बारे में विचार हम अभी कर रहे हैं। अब ये सारे डिटेल सभी आएंगे, लेकिन चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, देखिए, हाल ही में अगर कांग्रेस की हम बात करें तो सत्ता वापसी की दरकार में चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अगर बात करें हम, तो देखिए कई दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी तक खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। देखिए, प्रियंका गांधी ने महाकौशल से शंखनाद किया कांग्रेस का। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी भी अब अपना वर्चस्व दिखाना चाहेगी और शंखनाद का वक्त भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं 22 तारीख को, जो आपने कहा बालाघाट अमित शाह आएंगे, और जेपी नड्डा 30 तारीख को खरगोन पहुंचेंगे। आप समझिएगा कि किस तरह क्षेत्रों को साधने की उम्मीद है। बालाघाट वो है जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र रहता है, दूसरी तरफ खरगोन को हम देखते हैं तो खरगोन निमाड़ से एक बड़ा मैसेज जाता मालवा के लिए भी, तो वहाँ जेपी नड्डा पहुँचेंगे। और राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 को रहने वाले, यानी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी 23 के साथ 24 में दिखाई दे रही है। और तमाम वरिष्ठ लीडर का आना ये बताता है कि अब बीजेपी पूरी तरह चुनाव मोड पर होगी, वैसे भी लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी का है वो है बूथ सम्मेलन। बूथ के 65,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को साधना, उनको संबल देना और उनको ऊर्जा भरकर आगे के लिए तैयार करना। दूसरी तरफ लाल परेड मैदान, मनोज जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, पीएम मोदी आ रहे हैं, तमाम दिग्गज जो आ रहे हैं उसको लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान भी आया है, वो जरा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, पीएम मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम आए ये स्वागत है, लोगों में भ्रम ना फैलाएं और भ्रम को लेकर ना उलझाएं। तो बीजेपी के पास एमपी में कुछ भी नहीं है और पीएम मोदी के नाम पर सब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इनको आना पड़ रहा है मोदी जी को और अमित शाह जी को जी। स्वागत है, वो आए, रोड शो करें और फ्रॉड शो ना हो बस, क्योंकि हमने स्वयं देखा है और जनता तो उनसे हम सब मांग करेंगे कि हमको ये भी बताएं मोदी जी क्या हुआ उस नारे का, बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस नारे का, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि आज आम जन महंगाई से परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, बार बार इनको आना पड़ रहा है मोदी जी को और अमित शाह जी को जी। स्वागत है, वो आएँ, रोड शो करें और फ्रॉड शो ना हो बस, क्योंकि हमने स्वयं देखा है और जनता तो उनसे हम सब मांग करेंगे कि हमको ये भी बताएं मोदी जी क्या हुआ उस नारे का।
तो देखिए जयवर्धन सिंह को आप सुन रहे थे और ये तीन तस्वीरें आप जरा देखिए, अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा खुद यहाँ पर आने वाले मध्य प्रदेश और क्षेत्रवार यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर। और ये अपने आप में बताता है कि इतने दिग्गज जो मध्य प्रदेश आ रहे इसी महीने आएंगे, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 22 जून को बालाघाट पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 जून को आएंगे, स्वागत तो देंगे साथ ही साथ संबोधन भी उनका देखने को मिलेगा। तो वही 30 जून की वो तारीख होगी जब जेपी नड्डा खरगोन पहुंचेंगे। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने। मनोज जी देखिए दौरे करने के लिए दिग्गज जा रहे हैं और इस पर विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं बचा है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखिए वही बात जयवर्धन सिंह ने कही है, लेकिन ये सब बातें जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही दल अपने अपने तरह से लगे। आज भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बैजनाथ को ज्वाइन कराकर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया, हालांकि वो कांग्रेस में रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा आ रहे हैं तो उस पर तंज भी कसा है। तो दोनों दल अपने अपने तरीके से लगे हैं, लेकिन ये 2023 के चुनाव में एक कई तरह के मैसेज भी दिखाई देंगे। मुद्दा महंगाई का होगा, मुद्दा विकास का होगा और तमाम तरह की चीजों के साथ हिंदुत्व और बाकी चीजें भी दिखाई देने वाली है। लेकिन यह समझ आ रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को लेकर मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। पहले भी हमने देखा कि रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता वहां खुद अमित शाह पहुंचे थे, हम खुद कार्यक्रम में थे उस समय। और अब एक तरह से प्रियंका गांधी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक्टिव मोड में नजर आएगी। तो अब चुनावी संक्रांत भी है और पूरी तरह मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल भी दिखाई देने वाला। बिल्कुल चुनावी माहौल तो दिखने ही लगा, चुनावी संक्रांत यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी किया जाएगा, तो इंतजार इसी का होगा। नजरें आप बनाए रखिएगा, मनोज जी आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मोदी, शाह, नड्डा मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चुनावी संक्रांत यहाँ पर किया जाएगा।